अलबेली सरकार की। अर्जुन कहता है भक्ति करना ठीक है तो, लेकिन आप कहते हैं मन से भक्ति करो, तो मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम में मना कृष्ण प्रमाथ बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। छठवें अध्याय का 34वां श्लोक। अरे वायु से बड़ा वेग है मन का, एक सेकंड में होप कहां पहुंच जाता है। अर्जुन कह रहा है, जिस अर्जुन ने उर्वशी को जीत लिया था, उर्वशी का नृत्य देख रहे थे अर्जुन, इंद्र अर्जुन को देख रहा था, ये उर्वशी की ओर लगातार देख रहा है, आसक्त हो गया। और अर्जुन स्वयं डांसर था तो उर्वशी के चरणों को देख रहा था कि कैसा चल रहा है उसका, लेकिन इंद्र तो विषयी है ना, वो अपनी तरह सबको समझता है। तो रात को उर्वशी को भेज दिया अर्जुन के पास विषय भोग के लिए। सो रहे थे अर्जुन, जगाया उर्वशी ने। अर्जुन ने कहा, माता जी आप इस समय यहां कैसे आई? उर्वशी ने कहा, ये मृत्युलोक का कैसा आदमी है, माता जी कहता है मुझको। बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह को तो मैंने पटकनी दे दी और ये हमको माताजी कह रहा है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि माताजी आप तो हमारे पिताजी की श्रीमती है, इंद्र की, इंद्र का मैं लड़का हूं। भागी वहां से उर्वशी और जाके इंद्र से कहती है, अरे आपने कहां भेज दिया? वो अर्जुन कह रहा है, चंचलम भी मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। एक एक शब्द पर ध्यान दो। और भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को पछाड़ देता है, मन बहुत चंचल है। लेकिन अर्जुन लगातार मुझ में लगाते रहो, अभ्यास है ना तू, तो धीरे धीरे लगाते लगाते मैं भी कृपा करूंगा और तुम भी लगाते रहो, दोनों के सहयोग से वो मन पर कंट्रोल हो जाएगा, वो मुझ में लग जाएगा। मैं आनंद सिंधु हूं, जब मन को मुझसे रस मिलेगा तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। जैसे सूरदास ने कहा है, हृदयात यदि निर्जाश पौरुषम गणयामि ते हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो तो। श्री कृष्ण को चैलेंज किया था उसने,